इलेक्ट्रिकल मशीन में हम दो तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी से। एक होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू एल वी क्रॉस बी से, या अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी एल वी साइन थीटा से। ये दोनों टाइप के ईएमएफ क्या अलग अलग हैं, या इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, या जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर में हम बात करते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और जनरेटर्स के अंदर हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की या डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो आज मैं आपको डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या जिसको हम मोशनल ईएमएफ या रोटेशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हम कहते हैं, इसका जो इक्वेशन होता है जो एल वी क्रॉस बी या बी एल वी साइन थीटा, ये किस तरीके से आता है, और इसका जो इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी से क्या कनेक्शन है, इसकी आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उसमें एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं। तो आप देख रहे हो ये है मैग्नेटिक फील्ड और इसमें कंडक्टर, मैंने कंडक्टर एक प्लेस कर दिया, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है हम मान लेते हैं इसकी लेंथ है L। तो L इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर आप इसकी डायरेक्शन को अगर आप देखोगे तो ये इनवर्ड द स्क्रीन है, ठीक है, इनवर्ड द स्क्रीन इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जो यहां पर आप कंडक्टर देख रहे हो, ये कंडक्टर का लेंथ एल है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को हमें क्या करना है, मूव करना है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इसको मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कंडक्टर मूव कर रहा है, जो फ्लक्स है वो स्टेशनरी है। तो यहां पर जो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ या रोटेशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है। हमें अब ये देखना है कि ये ईएमएफ इसमें आता कैसे है। जैसे कि देखो, अगर यहां पर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या रहा होगा, इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। और अगर ये कंडक्टर मूव कर रहा है तो इसके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगता है। ये फोर्स कैसे लगता है, क्योंकि जो आप मोटर में पढ़ते हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, दैट मीन्स अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे या मूव करेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फिर आपका आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर कहां से इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, इसमें तो किसी भी तरह का करंट नहीं है, तो इसके चार्जेस के ऊपर फोर्स क्यों लगेगा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं, बट इसके अंदर चार्जेस तो हैं, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अगर इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो इनके मूव करने से, अगर इस कंडक्टर को मैं बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा हूं तो बेसिकली वो चार्ज मूव कर रहे हैं, और जब चार्ज मूव करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो एक तरह का करंट ही हुआ ना, वो एक तरह का करंट ही हुआ। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर देखो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे, उधर की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये कंडक्टर है, ये मूव कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जब ये इस साइड मूव करेगा तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसके पॉजिटिव चार्जेस कहां पर शिफ्ट होंगे, या उनको फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए, केवल हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्जेस की, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो ही हम एक्चुअली में, जो हमारा कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन हम वही लेते हैं। तो करंट जो कंडक्टर है वो इधर मूव कर रहा है, कंडक्टर अगर इधर मूव कर रहा है तो देखिए जो करंट है वो हो गया ये वाला पार्ट, इस डायरेक्शन में करंट हो गया। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में देखो ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन, ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन, जो सेकंड फिंगर होती है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हो गया हमारी करंट के डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनवर्ड ही है, इनसाइड ही है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही है। अब देखो फोर्स पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा, अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो पॉजिटिव चार्जेस जितने भी होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, अगर मूवमेंट होती रहेगी। मूवमेंट होने का मतलब है कि कंटिन्यूअसली ये उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इधर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो अकॉर्डिंगली जो नेगेटिव वाला होगा वो उसका रिवर्स में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आप देख रहे हो कि अगर ये कंडक्टर उधर की तरफ मूव करता ही रहे तो ऊपर जितने भी इसके चार्जेस होंगे, पॉजिटिव वाले सारे ऊपर पॉइंट पी पर, नेगेटिव वाले सब नीचे की तरफ पॉइंट क्यू पर शिफ्ट हो जाएंगे। और जब इनके चार्जेस के अंदर पॉजिटिव वाले ऊपर अक्यूमुलेट, नेगेटिव वाले नीचे अक्यूमुलेट, तो पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन होगा, और वहीं से हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर ईएमएफ आ चुका है। बात समझ में आई। तो अब अगर हम देखें कि ये कंडक्टर है,
ये अगर सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर सपोज ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसके इस डायरेक्शन में रोटेट करने से ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो जो पोलैरिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो पोलैरिटी है ये शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में अपना मूवमेंट चेंज करेगा तो जो पोलैरिटी उसके अंदर इंड्यूस होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कैसे इंड्यूस होती है, वो चेंज हो जाएगी। वो उस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करती है। तो अगर कोई कंडक्टर कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा इस डायरेक्शन में, तो हमेशा बिल्कुल डीसी की तरह ऊपर प्लस और नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, जैसे भी होगा पोलैरिटी है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगी। बात समझ में आई? तो बस बात यह है कि अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअसली चलता जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो आप किसी पर्टिकुलर स्पेस में कन्फाइन कर सकते हो, तो वहां पर किसी कंडक्टर को आप घुमाओगे तो इसीलिए हमेशा आपको कभी डीसी नहीं मिलता। फैराडे लॉ से कभी भी आपको डीसी नहीं मिल सकता। फैराडे लॉ से डीसी तभी मिल सकता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड वैसे इनवर्ड हो और ये कंडक्टर कंटिन्यूअसली मूव करता जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या होगा? आपको डीसी भी नहीं मिलेगा कभी भी। तो फिर अगर ये बार बार अगर चेंज करेगा, अगर एक ही जगह पे ऐसे घूमेगा, तो जब रोटेट करता है तो रोटेट करने से इसकी पोलैरिटी लगातार बदलती रहती है। अब जब लगातार बदलती रहेगी इसकी पोलैरिटी, तो डेफिनेटली कभी भी फैराडे लॉ से आपको कभी भी डीसी नहीं मिल सकता। हमेशा टाइम वेरिंग नेचर का ही जो फ्लक्स है वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो यहां पर आपको बात हमें यह समझनी है कि E is equal to N dphi by dt जो है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर फ्लक्स टाइम वेरिंग नेचर का है तो कंडक्टर के साथ अगर वो लिंक करेगा तो उसमें EMF इंड्यूस होगा। माइनस साइन लगाकर हम लेंजेस लो जो के थ्रू उसको उसकी जो पोलैरिटी है वो एक्चुअल पोलैरिटी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे केस में कंडक्टर रोटेट अगर करेंगे तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एल वी क्रॉस बी से, ये किस तरीके से इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।